हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे, डाइपोल के बारे में, टॉर्क के बारे में बात करेंगे। कि जैसे याद है तुम्हें, हमने चैप्टर नंबर 1 में टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा चैप्टर नंबर 5 और हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि टॉर्क कैसे लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर। यस, आप लोगों को अगर आपने कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट चैप्टर की वो डेरिवेशन याद है ना, तो आपसे ये सिंपल लगेगा, आपको ये क्या लगेगा, सिंपल लगेगा। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखो, हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। लेट सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी है। कितनी है, बी। सब ठीक है, वीडियो वगैरह ऑन है, यस, माइक वगैरह। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है बी, बराबर है, यस। और हमने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया है, कि एक डाइपोल रखा है। अब मैग्नेटिक डाइपोल का लेट सपोज ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। भैया ऐसा क्यों, इसको साउथ ले लो, इसको नॉर्थ ले लो। हाँ, कर सकता है तू बेटा, बिल्कुल कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। अरे हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो एक डाइपोल पड़ा हुआ था ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी। अब देखो, डाइपोल की जो लेंथ है, अब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसकी लेंथ हम क्या मान के चलते हैं, 2L हम उसकी लेंथ मान के चलते हैं। तो इसकी लेंथ हो गई 2L। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ 2L है। अब बात क्या है कि इस डाइपोल पे, देखो मेरी बात को ध्यान सुना, देखो ये जो नॉर्थ पोल है, हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, कंसीडर लिख देंगे अभी बाद में, कंसीडर में बोल दूंगा, आप लोग क्या करना लिख लेना, ठीक है ना, ठीक है। तो वी नो दैट फोर्स ऑन अ डाइपोल, फोर्स ऑन अ पोल, किसी भी एक मैग्नेटिक पोल पे मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है, देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती और कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो इस पे क्या लगता है, फोर्स होना चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यूई, एफ इज इक्वल टू क्यूई। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है, एम बी। अरे हाँ है ना, डिफरेंस करवाया था ना उस दिन। तो फोर्स ऑन अ पोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक पोल पड़ा तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, देखो इस पे फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो समझो यहां कहीं नॉर्थ पोल होगा, अरे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसका यहां कहीं नॉर्थ होगा, इधर कहीं क्या होगा, साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब सीन क्या है, कि ये जो नॉर्थ है ये उधर साउथ की तरफ जाएगा। अरे जिस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ जाता है, उसी प्रकार से नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाएगा, इस एक्सटर्नल फील्ड के साउथ की तरफ। इस पे फोर्स लगेगा इधर को एफ, इस पे फोर्स लगा इधर को, कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी, सॉरी एम बी। ये याद है, फोर्स ऑन अ पोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू में एम बी।
F is equal to mb, F is equal to mb. अब ध्यान से, अगर मैं तुम्हें ध्यान से एक बात बोलू, चाहे इस नॉर्थ पोल पे फोर्स लगे, इधर को लगेगा mb, फोर्स ऑन अ पोल प्लेस इन, तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा F1 वो कितना लगेगा mb, या Fn लिख लो mb, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, इसकी भी m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है m है, तो mb. इसी प्रकार से फोर्स ऑन साउथ पोल कितना लगेगा Fs mb, बस साउथ पे इधर की दिशा में फोर्स लगेगा, तो यार ये Fn और Fs तो बराबर हो गया, ये दोनों फोर्स क्या हो गए, फोर्स दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए. तो अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए, यानी कि देखो अगर मुझे इधर कोई 5 न्यूटन से खींचे, इधर कोई 5 न्यूटन से खींचे, तो मैं कहां जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, सेंटर में खड़ा रहूंगा. उसी प्रकार से F फोर्स इधर लग रहा है, F फोर्स इधर लग रहा है, कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये क्या होगा, अब ये घूमेगा. देखो यानी F नेट हो गया 0, आता हूं घूमने वाली बात पे. हेयर नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे जो नेट फोर्स F नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, F नेट हो जाएगा 0, क्योंकि इधर जितना फोर्स उतना ही फोर्स उधर, तो F नेट क्या हो गया 0, नेट फोर्स 0. पर देखो अगर इसको मैं इधर खींचू, इसको मैं इधर खींचू, तो ये अब रोटेट होगा, क्या होगा रोटेट, तो रोटेशन को क्या बोलते हैं टॉर्क. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फोर्स तो नहीं लगा, पर क्या लगेगा, लगेगा तो टॉर्क, क्या लगेगा टॉर्क, बराबर है यस. तो आओ स्टार्ट करते हैं, हेयर टॉर्क डाइपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क, डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो अगर डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल लिख दूं F इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो टाउ इज इक्वल टू, तो छोड़ो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो. देखो ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये ना डाइपोल, इसकी लेंथ है 2L, इसकी लेंथ है 2L, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, ये भी F है, ये भी F है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो इसको हल्का पीछे लाओ, इसके बराबर ले आया, अब इसको हल्का नीचे ले आ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का ये है, अरे ये फोर्स एक वेक्टर इधर को, एक वेक्टर इधर को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुआ, एक फोर्स इधर को है, एक फोर्स इधर को है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये, इसको मान ले x, क्या मान ले x, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान ले x, क्या मान ले x. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सीधी जा रही है, कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधी, देखो अगर ये लाइन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और ये जो डाइपोल रखा हुआ है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है थीटा, तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये एंगल थीटा आएगा, अगर ये इसके साथ रखा हुआ है ना बेटा, अगर मैं इसको हल्का पीछे ले जाऊं, इसको हल्का नीचे लाऊं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. अरे कंजरो ये, अरे भैया मैथ्स इतनी तो मैथ्स जानते होंगे, पैरेलल लाइंस में अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो उसके एंगल बराबर होते हैं, हाँ है ना, तो ये एंगल, अगर कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड पे थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा यार, इसको लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखो हेयर 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 मुझे निकालना है एक्स, मुझे क्या निकालना है एक्स, मुझे निकालना है एक्स. अब एक्स कैसे निकाला जाए, देखो इसको बोल दो वन, नहीं नहीं इसको बोल दो टू, इसको बोल दो वन,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा हेयर, परपेंडिकुलर अगर मेरे को x निकालना है, x क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लगा लो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 2l, तो यहां से x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x लिख ले यहां पे है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा, अरे हां है ना 2l sin थीटा, तो अब यहां से x आ गया मेरे पास 3, तो अब मैं क्या कर सकता हूं f की वैल्यू mb है यहां पुट कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2l sin थीटा यहां पुट कर दो, देख मैं इसको सिंपल भी कर सकता था, कैसे पता है अभी समझाता हूं, देख कैसे पुट 1 3 इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा tau is equals to में f की जगह आ जाएगा mb और छोटा m है ये पोल स्ट्रेंथ है निकम्मो, और ये क्या जाएगा mb into में क्या है 2l sin थीटा, अब ये m into 2l क्या होता है m dot 2l into में b sin थीटा, अब सबको पता है कैपिटल m क्या होता है m dot 2l, अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है m dot 2l, और tau क्या आ जाएगा, tau आ जाएगा हमारे पास कैपिटल m v sin थीटा, ये होता है tau का फॉर्मूला। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, कितना टाउ लगेगा mb sin थीटा, mb sin थीटा बराबर है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू में m क्रॉस वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b, देख भाई इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको सिंपल कर सकता पर वहां से कॉन्सेप्ट कोई बिल्ड नहीं होता, टॉर्क का फॉर्मूला होता है fx sin थीटा, fx sin थीटा में x कहता है ये हो गई लेंथ 12 और f कहता है mb sin थीटा आ गया, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, पर बेटा समझ टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x हमने निकाल दिया, और x कहां से निकाला हमने दो फोर्स, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, क्लियर है कोई डाउट, तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुझे याद हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना टॉर्क लगता है तो यहां टाउ टाउ आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलते हैं पी, पी बी क्या होता है वहां पे ई, पी बी साइन, पी साइन थीटा, याद है, अरे यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाए, यहां पे इलेक्ट्रिक मूवमेंट आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह, यहां मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा साइन थीटा पीई साइन थीटा, अरे सेम है यार साला, यार सेम है साला बराबर है, यस यस, तो इसको नोट कर लो फटाफट से, कंसीडर लिख लो, कंसीडर लिख लो, कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल, अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ छोटा m, अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ छोटा m एंड लेंथ 2l, एंड लेंथ 2l इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta, then the torque experiences, then the torque experiences by the magnet is, then the torque experiences by the magnet is, फटाफट note कर लो बेटा, हो गया, yes, 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 आगे बढ़े, yes. अब यहीं से ना हमारे पास एक फॉर्मूला बन के निकलता है, देखो फॉर्मूला वॉर्मूला तो कुछ बन के निकलता, मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं क्या है, देखो याद है वहां पे भी किया था हमने स्टेबल अनस्टेबल है ना, तो यहां पे भी करना है, देखो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर हमारे पास कोई डाइपोल आ रहा है, कितना डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है P इज इक्वल, सॉरी क्या नाम था इसका, tau इज इक्वल टू में एम बी साइन थीटा, अब यहां पे दो चीजें आती है, एक आता है मैक्सिमम डाइपोल टॉर्क, सॉरी 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 सॉरी
मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा और एक आता है मिनिमम टॉर्क कब लगेगा। यहां पे दो केस बनते हैं, एक बनता है मैक्सिमम टॉर्क का, एक बनता है मैक्सिमम टॉर्क, और एक बनता है मिनिमम टॉर्क। बराबर है? एक सेकंड मैं इंक डाल दूं मार्कर में। एक बनता है मैक्सिमम टॉर्क, एक बनता है मिनिमम टॉर्क। देखो कब कब लगेगा। वैसे तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए खुद से, आपको पता होना चाहिए कौन कब बनेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने आंसर भी बोल दिया होगा। देखो एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी टाउ मैक्सिमम कब आएगा, टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन एम मैक्सिमम होगा, जब बी मैक्सिमम होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, वन। अरे हाँ या ना, यस। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी जो थीटा है, यानी जो थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, एक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, हाँ है ना, तो इसपे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्योंकि अरे एम को तो तुम एक सीमित दायरे तक बढ़ा सकते हो, बी को एक सीमित दायरे तक बढ़ा सकते हो, बाकी तुम्हें एंगल ही चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मैं उसी सेम एम पे, उसी सेम बी पे अगर मैं चेक करूं कि टॉर्क ज्यादा कब लगेगा, तो जब ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो साइन 91 हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्या होता है, एम बी आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एम बी, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा एम बी। और ये मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब साइन थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल मूवमेंट, यानी कि डाइपोल मूवमेंट, थीटा किसके बीच का एंगल होता है पता है ना, यानी कि जब डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे थीटा किसके बीच का एंगल है पता है ना, थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क था। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम टॉर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम टॉर्क। देख भाई मिनिमम टॉर्क के दो केस बनते हैं, मिनिमम टॉर्क के दो केस बनते हैं, मिनिमम टॉर्क के दो केस बनते हैं। देखो टाउ मिनिमम जो है, टाउ मिनिमम जो है, मिनिमम कब आएगा, टाउ मिनिमम कब आएगा, यहाँ पे दो केस बनते हैं टाउ मिनिमम के, टाउ मिनिमम, टाउ मिनिमम। एक तो दो केस है, एक तो जब थीटा क्या हो, एक तो जब, चलो मैं इसको पहले ऐसे कर दूं, चलो यहीं सुन लो। अगर एंगल कितना है टाउ मिनिमम टॉर्क, जब थीटा क्या होता है, या तो जीरो डिग्री हो या 180 डिग्री हो, साइन जीरो पे भी जीरो ही होता है, साइन 180 पे भी कितना होता है, जीरो होता है, सुनते रहना, साइन 180 पे भी जीरो होता है, साइन जीरो पे भी जीरो होता है। देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो, हाँ है ना। तो मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, और हमारा डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये उसका साउथ, ये उसका नॉर्थ, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, और हमारा जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है साउथ से नॉर्थ, अब ये साउथ से नॉर्थ आएगा ना डाइपोल मूवमेंट, तो जो हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इधर को। अरे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन याद है निकम्मो, साउथ से नॉर्थ होती है। तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, थीटा इज जीरो डिग्री यार, वही मैग्नेटिक मूवमेंट, वही क्या है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब एक केस क्या होता है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री,
एंड व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री साइन 180 इज आल्सो जीरो, साइन 180 डिग्री इज आल्सो जीरो, साइन 180 भी जीरो होता है। तो अब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, और जो ये डाइपोल मोमेंट होगा इस बार साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, अरे ध्यान तो दे ले यार, साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ से नॉर्थ, तो ये आ गया इधर को, अरे वो तो वेक्टर बनाया है उसके ऊपर यार, तू सोच रहा है कि डायरेक्शन वेक्टर बनाया है। तो इस केस में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर को और टॉर्क और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है इधर को, थीटा 180 डिग्री हो गया, बराबर है। यस, दोनों केस में, दोनों केस में जो टाउ लगेगा मिनिमम वो कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा, टाउ मिनिमम क्या लगेगा, जीरो, यहां पे लगेगा एम बी साइन 180 डिग्री, यहां लगेगा एम बी साइन जीरो डिग्री, तो टाउ मिनिमम क्या लगेगा, जीरो, टाउ मिनिमम क्या लगेगा, जीरो। अब बात क्या है कि फर्क किस चीज का है, बात है कि फर्क किस चीज का है, फर्क इस चीज का है, फर्क इस चीज का है, तुम्हें खुद पता है क्या फर्क है। यहां पे एंगल जीरो डिग्री है, जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये कहां से कहां जा रही होगी, नॉर्थ से साउथ, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इधर कहीं साउथ होगा और इधर कहीं क्या होगा, नॉर्थ, तो ये बिल्कुल सही जगह लाई है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ये साउथ वाला नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ वाला साउथ की तरफ है। इसको अगर तुम हल्का सा भी इधर करोगे तो ये नॉर्थ वाला किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ, अरे साउथ वाला इधर, पर यहां पे उल्टा है, यहां पे उल्टा, मेरा कहने का मतलब है इधर कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा, इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, साउथ पोल होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इधर नॉर्थ पोल, इधर क्या है, साउथ पोल, हम इमेजिन कर लेते हैं, है ना। तो अब ये नॉर्थ जो तुमने डाइपोल रखा हुआ है, उस डाइपोल का नॉर्थ जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, अरे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है ना, तो ये एक्सटर्नल वाली जो जा रही है इधर नॉर्थ होगा उधर साउथ होगा, तो ये डाइपोल का नॉर्थ इधर साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ पोल कर रखा है, तो ये रिपेल करेगा, पर अभी नहीं करेगा क्योंकि अभी ये पड़ा हुआ है जीरो डिग्री, 180 डिग्री के एंगल पे। अगर तुमने इसको हल्का सा भी हिलाया तो इस पे फोर्स उधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, यहां पे क्या हल्का हिला रहे हो, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर ही सीधा हो जा रहा है, पर अगर ये ऐसा है तो अगर हल्का सा भी हिलाया तो इस पे फोर्स उधर लगेगा, इस पे फोर्स उधर लगेगा और ये पूरा रोटेट हो जाएगा, और अगर ये पूरा रोटेट हो गया तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब हल्का सा रोटेट किया वो उसने अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर दी, और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब टाउ मिनिमम हो तो होगा, जीरो तो होगा, पर थीटा क्या होगा, जीरो डिग्री, और इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री हो तो ये इतना होता है, ये इतना होता है, कोई डाउट यहां तक उम्मीद करो नहीं होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है, बराबर है, इसे नोट कर लो और सुनो मेरी बात। अब इसका मैं एक सिंपल सवाल, एक सवाल कराता हूं पहले, मैं ऐसे सवाल तो नहीं करूंगा कि जिसमें एम दे रखा हो, बी दे रखा हो, टाउ निकालना हो, साइन दे रखा हो, नहीं, एक थीटा सवाल देता हूं इसका, बराबर है, नोट करो फटाफट से। बेटा देखो, हमारे पास क्या है, ये अब मैग्नेटिक एक सवाल है, ट्राई करो, वैसे तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा तो ट्राई करोगे ना एक बार तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है ना, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक है, आओ। अ मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन इज 60 डिग्री, आंसर। वो कह रहा है एक मैग्नेटिक डाइपोल है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, देखो असल में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसमें डाइपोल रखा हुआ है, कह रहा है दो अलग अलग दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अब उनका उसके बीच में डाइपोल रखा हुआ है। तो देखो, मान लो एक क्या है,
एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वन, वो इधर है, और एक दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी टू, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। एक मैग्नेटिक फील्ड बी वन, एक मैग्नेटिक फील्ड बी टू, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। एंड वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड बी वन, लेट कर लेते हैं, आंसर गिवन है, बी वन दे रखा है 1.2 × 10⁻²⁻² टेस्ला। इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल 15 डिग्री विद दिस फील्ड, देखो वो ये कहना चाह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड बी वन, एक मैग्नेटिक फील्ड बी टू, देखो अगर बी वन ना हो, अगर बी टू ना होती, अरे समझ रहे हो, अगर बी टू ना होती तो ये जो डाइपोल रखा हुआ है ये अगर टिल्ड होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी दिशा में खींच लेती, ये ऐसे होता, ये ऐसे खींच लेती, अगर ये ना होता तो ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे होता। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दो दो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये डाइपोल कहां जाए, इधर जाए या इधर जाए, तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी दिशा में जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी दिशा में, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां कहीं निकलेगा, तो अगर रिजल्टेंट यहां कहीं निकलेगा तो उसकी दिशा में क्या जाएगा, डाइपोल जाएगा, उसकी दिशा में क्या जाएगा, डाइपोल जाएगा। तो हमने ये बोला, हमने ये बोला, हमने ये बोला, हमने ये बोला कि जो डाइपोल की डायरेक्शन हो गई वो कह रहा है वो इस 15 डिग्री विद दिस, बी वन की वैल्यू दे रखी है ये, तुम इसको भी बी वन मान सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 15 डिग्री का एंगल है, ये हो गया मान लो नॉर्थ और ये हो गया साउथ, इसके साथ 15 डिग्री का एंगल है, टोटल एंगल इज 60, और ये डाइपोल मतलब इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी यार, अरे निकम्मो बात को समझो ना, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां आ रहा होगा 15 डिग्री पे, तभी तो वो टिल्ड हो गया, अरे लीचड़ी हो बिल्कुल ही भैंस की टंग, समझ में आ रही है बात। हाँ तो मैं कहना चाह रहा हूं टोटल एंगल अगर 60 है, ये वाला एंगल 15 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा 45, अरे हाँ है ना, अरे उसे मैग्नेट डायपोल को समझो, ये 15 तो ये कितना होगा 45, 15 45 60 होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बस खत्म, हमें बी टू निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है बी टू बताओ क्या होगा, बहुत दो रुपए का सवाल है, दो रुपए का, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा टाउ वन से, ये मैग्नेटिक फील्ड इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा टाउ टू से, बात को समझो ना, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ये इस डायपोल को इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, मेरा डंडा कहाँ गया, इस कमरे में डंडा था पता नहीं कहाँ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायपोल को अपनी तरफ खींच रहा होगा इधर इधर इधर, अभी ऐसे है दूसरी वाली उसे उधर खींच रही होगी उधर उधर, पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया, उसने बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अब उस पर कोई फोर्स कोई टॉर्क नहीं लग रहा है बराबर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क जीरो, सॉरी फोर्स कह रहा हूं मैं, फोर्स तो वैसे भी जीरो होता है, टॉर्क जीरो है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है टॉर्क जीरो है, द डाइपोल डाइपोल इज एट स्टेबल, डाइपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट डाइपोल इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट टाऊ क्या हो जाएगा इस पे जीरो, टाऊ क्या हो जाएगा इस पे जीरो, और अगर टाऊ जीरो हो रहा है, अगर इस पे टाऊ जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, इस पे नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब इधर का टॉर्क उधर का टॉर्क बराबर हुआ, अरे हाँ है ना, ये इसको इधर खींच रहा होगा नहीं जा रहा, ये उसको उधर खींच रहा है नहीं जा रहा, इसका मतलब दोनों का टॉर्क क्या हो गया बराबर, इसका मतलब ये है टाऊ वन बराबर हो गया टाऊ टू के, तभी तो नेट टॉर्क जीरो हो गया कि टाऊ वन माइनस टाऊ टू इज इक्वल टू जीरो, इधर वाला टॉर्क उधर वाला टॉर्क बराबर हो गया, अटक गया बीच में, टाऊ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा टाऊ का फॉर्मूला क्या होता है, टाऊ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टाऊ वन एम वन एम, देखो एम मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो सेम ही रहेगा एम, चाहे इसके लिए हो, अरे चाहे इसके लिए हो चाहे उसके लिए हो, मैग्नेटिक मूवमेंट तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा बी वन, अरे एम बी वन साइन थीटा वन बराबर हो जाएगा एम बी टू साइन थीटा टू, अरे एम तो सेम ही रहेगा ना, डाइपोल तो सेम ही है, एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया बी वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू बी टू साइन थीटा टू, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी टू, तो बी टू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी वन साइन थीटा वन डिवाइड बाई बी टू,
सॉरी साइन थीटा टू। अब साइन थीटा वन तो हम निकाल लेंगे 15 डिग्री है, अरे साइन थीटा वन तो 15 डिग्री है, पर थीटा टू कितना है 45 डिग्री, सॉरी थीटा टू तो हम निकाल देंगे 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, पर साइन 15 डिग्री कैसे निकालोगे, तो 4 sin 15 इसको बोल दो 1, तो साइन 15 डिग्री वैल्यू कैसे निकालोगे, हेयर साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, बेटा मेरी बात को सुनो कैसे निकाली जाती है, साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 गया 15 बचेगा, या साइन 45 माइनस 30 भी कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, साइन 60 माइनस 45 अभी हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो बेटा याद रखो याद रखो याद रखो साइन 15 डिग्री किसी का भी वैल्यू निकालना हो ना उनका फॉर्मूला होता है साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू में साइन ए, ए इज 60 बी इज 45, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर है, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है क्या, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2 इंटू साइन 45 1/√2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू में साइन 60, साइन 60 क्यों कॉस 60 आएगा ना यहाँ पे, अरे यार बेवकूफी हो यार, साइन 60 कॉस आएगा ना यहाँ पे कॉस 45, यहाँ पे भी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है, तो साइन 45 1/√2 कॉस 60 इज 1, कॉस 60 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, तो क्या आ जाएगा आंसर √3/√2 माइनस 1/√2, इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2 और यहाँ जाएगा √3 - 1 बराबर है, इसको बोल दो अब यहां से अपने वैल्यू पुट कर दी, लाओ B2 इज इक्वल टू में B2 क्या हो जाएगा, B1 कितना है, B1 है हमारे पास 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय सॉरी इंटू में साइन थीटा 1, थीटा 1 इज 15 डिग्री, अरे B1 के साथ 15 डिग्री है ना, थीटा 1 इज 15 डिग्री, 15 की वैल्यू तुमने क्या निकाली है √3 - 1 डिवाइड बाय, अरे यार समझ में भी आ रहा है तुम्हारे गधों के, साइन थीटा 1, थीटा 1 15 डिग्री है डिवाइड बाय साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 इज 45 डिग्री, तो B2 क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू में √3 - 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 इज 1/√2, √2 से √2 कैंसिल नीचे नीचे है ना, तो B2 कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू में, बेटा देखो रूट थ्री का मतलब होता है 1.73, तो 1.73 से 1 गया कितना बचेगा 0.73 डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर लो इसको यार, सॉल्व कर लो 2 को इसको काट दो 0.6 से आंसर आ जाएगा बराबर है, अरे कर लो ना यार, तो कितना आ जाएगा 0.6 0.6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 6 3 18 8 1 कैरी 6 7 42 43 43, पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद, तो ये आ गया एक आगे ले जा रहा हूँ 3 के बाद था ना एक आगे ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10^-3 टेस्ला, 4.38 × 10^-3 टेस्ला बराबर है, यस अरे पॉइंट आगे ले गया शिफ्ट कर दिया एक बराबर है, यस ये था सवाल, बढ़िया सवाल था बराबर है, नोट कर लो। अब बेटा अगला जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ध्यान से इसी से रिलेटेड है, सेम है बिल्कुल सेम है बराबर है, यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगला जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है वो ये है, हमारे पास बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, नोट हो गया होगा ये, सेम यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क की बात क्या पढ़ा था, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी वही पढ़ना है सेम। देखो यस 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 यस
देखो बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वर्क डन ऑन रोटेटिंग डाइपोल। वर्क डन ऑन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल लिख लो यार। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो बेटा मेरी बात को समझना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका क्या हो गया नॉर्थ पोल, इसका हो गया साउथ। डाइपोल की लेंथ वही 2L है, डाइपोल की लेंथ वही 2L है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2L है, एक इसका नॉर्थ पोल, एक इसका साउथ पोल। अब क्या है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स तो जीरो आएगा वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क लगेगा इधर को, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉर्क लगेगा टाउ बी वो इधर को लगेगा। टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क अभी भी निकाल लिया हमने, यस कंसीडर लिख देंगे यहां पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैग्नेटिक टॉर्क या टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, बेटा जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, टाउ बी, अभी अभी निकाला एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा इतना टॉर्क लगेगा, यस 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 एम बी साइन थीटा टॉर्क लगेगा, यस एम बी साइन थीटा टॉर्क लगेगा, यस 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 यस। अब मैंने ये कहा, मान लो, मान लो मेरा कहा, मान लो कि, मान लो कि ये थीटा, थीटा एंगल पे, किस पे, थीटा एंगल पे। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे पड़ा हुआ था। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा हुआ है, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा हुआ है तो इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे, इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे, इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे, ठीक है, इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे। पर मैं ये चाहता हूं कि ये डाइपोल घूमे, रोटेट हो, अगेंस्ट में रोटेट हो, मतलब भैया मैं ये चाहता हूं ये इधर को रोटेट हो, तो इधर को रोटेट करने के लिए मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा। अरे बात को समझ में आ रही है, अगर मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये रोटेट हो इधर को, बल्कि ये तो इधर को रोटेट हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा, पर मैं चाहता हूं ये अगेंस्ट में मूव हो, मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं इसको रोटेट कर सकूं, और जो मैं इस पे वर्क करूंगा तो मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। अब इसको घुमाने में मैं कितना वर्क करूंगा, देखो अगर मैं तुमसे सिंपल बात बोलूं ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ जी, तो मैं इस पे कितना वर्क कर रहा हूं, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, बराबर है, यस। पर मैं इसको घुमा रहा हूं तो घुमाने में वर्क तो वर्क ही हुआ, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, क्योंकि एंगुलर आ गया ना, और एंगुलर में फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, और एक्स जब मैं सीधा ले जाता तो ये था डिस्प्लेसमेंट,
जब मैं घुमाऊंगा तो आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां आ जाएगा थीटा, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वर्क डन ऑन रोटेटिंग बाय स्मॉल थीटा, वर्क डन अगर एक डायपोल को रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा देखो, मैं कहना चाह रहा हूं कितना वर्क करना पड़ेगा देखो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, टाऊ थीटा इनटू में हमारे पास कॉस थीटा भी आ जाएगा। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एक्स कॉस थीटा, एफ फोर्स होता है, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता ही है। फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा या फॉर डी थीटा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू। अगर मैं हल्का सा एंगल चेंज करूं तो वर्क डन भी हल्का सा होगा, तो यानी इक्वेशन क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू में टाउ डी थीटा कॉस थीटा, टाउ डी थीटा कॉस थीटा बराबर है डी थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, मैं इधर को रोटेट कर रहा हूं तो मेरा, मैं इधर को रोटेट कर रहा हूं, टॉर्क किधर लगा रहा हूं, इधर को, मेरे को इसको इधर को घुमाना है तो मैं एक्सटर्नल टॉर्क किधर लगा रहा हूं, इधर को, एक्सटर्नल टॉर्क इधर को, तो टाउ हो गया इधर को, और थीटा भी चेंज आ रहा है उधर को, एंगल हो गया जीरो। तो हमारे पास जो वर्क आएगा यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू होगी वन, एंगल जीरो आएगा, तो जो टाउ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, सॉरी जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, टाउ डी थीटा। हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला आता है वो आता है टाउ डी थीटा, क्या आता है, टाउ डी थीटा। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब अरे मेरी बात सुनो, सारी बातें समझ में आ जाएगी, मेरी बात सुनो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे, यहां पे रखा हुआ है एक डायपोल को, किसको रखा हुआ है, एक डायपोल को, अभी डायपोल को रखा हुआ है, अभी डायपोल पे क्या लग रहा है, टॉर्क, क्या लग रहा है, टॉर्क, क्या लग रहा है, टॉर्क, अभी डायपोल पे टॉर्क लग रहा है। अगर इस डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, इस डायपोल पे टॉर्क लग रहा है, तो यार मेरे को इसको अगेंस्ट में घुमाना है। अगर मान लो डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये इधर घूम रहा है 50 न्यूटन मीटर के उससे, टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इस पर टॉर्क लग रहा है 50 का, अगर मैं चाहता हूं ये इधर को घूमे तो मुझे 50 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। अरे निकम्मो ध्यान है तुम्हारा, मुझे 50 से क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, चाहे मैं 50.01 लगा दूं, चाहे मैं 50.001 लगा दूं, पर ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी ये इधर को घूमेगा। हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं वो इस वाले से बहुत हल्का ज्यादा होता है, इधर को लगेगा टाउ एक्सटर्नल, और यहां पे आएगा टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो टाउ एक्सटर्नल होता है, ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है उससे हल्का ज्यादा होता है, इतना हल्का ज्यादा कि उसको हम अप्रोक्स बराबर लिख देते हैं, तो ये हो जाता है टाउ एक्सटर्नल टाउ बी के बराबर। तो हम यहां से क्या करते हैं, पता है ये क्यों करा हमने, क्योंकि हमें टाउ बी की वैल्यू पता है, टाउ बी की वैल्यू पता है, तो इस टाउ बी की वैल्यू को यहां पुट करो तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू में टाउ बी डी थीटा, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू में टाउ बी कितना है, टाउ बी इज एम बी साइन थीटा, तो ये आ गया एम बी साइन थीटा डी थीटा, सॉरी डी डब्ल्यू आएगा ना यहाँ पे, डी डब्ल्यू, अरे डी डब्ल्यू आएगा ना, डी डब्ल्यू आएगा ना यहाँ पे, डी डब्ल्यू एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब ये तो वर्क डन तुमने स्मॉल निकाला है, पूरे वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इंटीग्रेट करना पड़ रहा है दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन। अब मान लो जीरो और डब्ल्यू, शुरू में तो हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, तो शुरू में वर्क डन कितना होगा, जीरो, घुमा दिया इतना तो वर्क डन हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। मान लो शुरू में थीटा वन था, थीटा वन, मान लो शुरुआत का एंगल था थीटा वन, थीटा वन से घुमा के कहां कर दिया, अरे निकम्मो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, ये डायपोल था, मान लो शुरुआत का जो इसका एंगल था वो कितना था, थीटा वन, इसको रोटेट करके कितना कर दिया, थीटा टू, रोटेट करके क्या कर दिया, थीटा टू,
तो जब वर्क थीटा वन एंगल तो वर्क डन कितना था जीरो, जब एंगल कितना कर दिया थीटा टू तो वर्क डन कितना हो गया डब्ल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा बराबर है। यस अब देखो एम क्या है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कॉन्स्टेंट होता है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि तुमने एक बार मैग्नेट रख दिया है उसका डाइपोल मोमेंट फिक्स हो गया ना। अरे डाइपोल मोमेंट तो फिक्स हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई है फिक्स हो गई है, तो ये आ गया कॉन्स्टेंट बाहर। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है थीटा, चेंज क्या हो रहा है चेंज हो रहा है थीटा, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, अपर लिमिट डब्ल्यू लोअर लिमिट जीरो, एम बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बचेगा और यहाँ पे थीटा वन यहाँ पे थीटा टू बराबर है। यस अब बेटा W का एक बार W की जगह W माइनस जीरो रखा जाएगा, W माइनस जीरो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। देखो डिफरेंशिएशन साइन का होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा थीटा टू और यहाँ पे आ गया थीटा वन। अब एक बार क्या किया जाएगा अपर लिमिट रखी जाएगी, एक बार क्या किया जाएगा अपर लिमिट रखी जाएगी, तो ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, एक बार अपर लिमिट थीटा टू माइनस, एक बार कॉस थीटा की जगह रखा जाएगा लोअर लिमिट तो कॉस थीटा वन। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम बी कॉस थीटा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा कॉस थीटा टू, ये आ गया हमारे पास वर्क डन किसी भी, अरे सेम वर्क है जो उसमें निकला था, उसमें एम की जगह क्यू ई था यहाँ पे क्या था एम बी है, सेम वर्क डन है साला यार। तो वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ये होता है। कोई डाउट, अरे कोई डाउट नहीं बराबर है। यस अब यहां पे भी कई केस बन जाते हैं, इफ इफ थीटा वन इज 90 डिग्री, थीटा वन अगर शुरुआत में मान लो 90 डिग्री था और 90 डिग्री से तुम घुमाना स्टार्ट कर रहे हो, थीटा वन इज 90 डिग्री और थीटा टू इज थीटा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा एम बी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, 90 जीरो होता है तो वर्क डन कितना आ जाएगा एम बी जीरो माइनस कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी आ जाएगा ना, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा बराबर है। यस यस ये आ गया हमारे पास। अब यही नहीं, इसमें एक और बात होती है कि ये तो अपने वर्क डन निकाल दिया, ये तो आपने क्या निकाल दिया वर्क डन, ये तो आपने वर्क डन निकाल दिया। अब इसमें एक और बात होती है क्या, वो कभी कभी बोल देता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर मैं इसको कितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, तो देखो अगर मैं इस डाइपोल को रोटेट करा रहा हूं, अगर मैं इस डाइपोल को रोटेट करा रहा हूं तो मेरा देखो अगर मैं इस डाइपोल को रोटेट करा रहा हूं तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूं। अब वर्क अगर मैं कर रहा हूं, यू गाइज नो दैट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर मैं इस डाइपोल को रोटेट कर रहा हूं, अगर मैं इस डाइपोल को रोटेट कर रहा हूं तो मेरा कुछ वर्क हो रहा है, मेरा कुछ वर्क हो रहा है और जो मेरा वर्क है ना वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा है। तो यहां पे जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर आता है। अगर आप इसको नोट करो एक बार, कंसीडर सेम लिख देना, अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ एम लेंथ 2l, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैंने एक बार में खत्म कर दूं इसको। देखो फिर एक साथ लिख लेना 5 4 3 2 1 कंसीडर बिल्कुल सेम लिख देना। अब जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं हेयर, यहां पे एक नोट बना के याद रखना, अगर वो एग्जाम में आपसे कहे कि वर्क डन निकालो रोटेटिंग डाइपोल तो आप डेरिवेशन यहां तक छोड़ देना, यहां तक छोड़ देना चल जाएगा। पर अगर वो आपसे कहे ड्राइव करो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करो इक्वेशन, सेम डेरिवेशन लगेगी फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर, या इसको मैं ऐसे करके हेडिंग लिख लो चेंज इन पोटेंशियल
एनर्जी ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल, तो फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी। अब मैंने अगर इसको देखो, शुरुआत में मान लो उसके पास 10 जूल एनर्जी थी, कितनी थी 10 जूल एनर्जी थी। अब मैंने इसको रोटेट किया, मैंने वर्क किया, मेरी एनर्जी खर्च हुई मान लो 2 जूल, इसके पास पहले थी 10 जूल, इसके पास पहले थी 10 जूल। अब मैंने 2 जूल खर्च करी तो वो 2 जूल इसके अंदर स्टोर हो गई, इसके अंदर एनर्जी कितनी हो गई, अब टोटल 12 जूल, पहले थी इसके अंदर 10 जूल, मेरी 2 खर्च हुई, इसके अंदर वो 2 ट्रांसफर हुई, इसके अंदर अब हो गई 12 जूल। पर चेंज क्या है, 12 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल, अभी भी कितना आंसर आएगा 2। तो मेरा जो वर्क डन था वो इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, समझेगा इन साला। पहले इसके अंदर एनर्जी 10 जूल थी, मैंने 2 जूल का वर्क डन किया तो इसके अंदर एनर्जी कितनी हो गई है 12 जूल, क्योंकि 2 मेरी एक्स्ट्रा इसके अंदर चली गई होगी। पर इसकी चेंज इन एनर्जी कितनी है, 12 माइनस 10 कितना आएगा 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो यानी वर्क डन W बराबर होगा U के, या डेल्टा U बोल लो या U बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से दिखा रहा हूं। तो यहां पे U कितना आ जाएगा हमारे पास, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर तुम चाहो तो ये फॉर्मूला, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला, अगर वो आपको ड्राइव करने को कहता है वर्क डन तक तो आप यहां तक छोड़ दो, पर अगर वो आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करने को कहता है तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, बराबर है। अरे समझ गए ना, जो मैं वर्क करूंगा वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट नोट कर लो इसे, सब सही चल रहा है? यस, हो गया। 5 4 3 2 1, यही तो आगे करना था ना आपने, बस है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, या नोट करना नोट कर लो स्टार्टिंग से पहले। अब मैं एक सवाल की बात करने जा रहा हूं, देखो सवाल कैसा आ जाएगा, सवाल बहुत सिंपल रहेगा, आप लोग कर सकते हो उसे। क्वेश्चन, वो आपसे कह देगा कैलकुलेट वर्क डन ऑन रोटेटिंग, कैलकुलेट वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने में कितना वर्क डन होगा। देखो आंसर, तो पहले डाइपोल पड़ा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हो ना, ये बी है, डाइपोल मूवमेंट इधर आएगा नॉर्थ, इधर आएगा साउथ, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी इधर को और मैग्नेटिक फील्ड की इधर को, यानी थीटा कितना होगा 180 डिग्री, थीटा 1 इज 180 डिग्री, ये अनस्टेबल हो गया, ये क्या हो गया अनस्टेबल। और यहां से क्या करा है, स्टेबल पे घुमाया हमने, कहां घुमाया स्टेबल पे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये साउथ और ये नॉर्थ, एम की डायरेक्शन भी इधर को और बी की डायरेक्शन भी इधर को, ये थीटा 2 हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया स्टेबल। अरे हाँ है ना, तो स्टेबल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो पुट कर दो W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1, कितना है थीटा 1 इज 180 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 2 कितना है, थीटा 2 इज 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू एम बी, ये कितना है 1 कॉस माइनस 1, कॉस 180 क्या होता है माइनस 1, और ये भी क्या होगा 1, ये 1 होगा पर माइनस है ना आगे, तो 1 हो जाएगा। अरे कॉस 180 माइनस होता है पता है ना, तो W कितना आ गया माइनस 2 एम बी, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एम बी माइनस 2 एम बी। क्या तुम्हें ये समझ में आया, क्या तुम ऐसे सवाल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या तुम्हें टॉर्क समझ में आया, क्या तुम्हें वर्क डन समझ में आया, क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया, क्लियर है?
तो यहाँ से हमारा जो ये चैप्टर रह गया, ये 3 क्लास का चैप्टर रह गया यहाँ से, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा, बराबर है ना, है ना। कल कोशिश करेंगे केमिस्ट्री क्लास फिजिक्स क्लास अगर समय रहा तो दोनों कर दूँ, है ना। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर देन, बाय बच्चा। और क्या टेस्ट पास है ही, खैर ओके बेटा, बाय बाय, ओके।